हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपकी वर्कशीट 68 करने वाले हैं। ये 22 दिसंबर की वर्कशीट है और ये क्लास 10th के लिए। यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखोगे। आज हम इसमें बच्चों पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद की जो पुनरावृत्ति हम करेंगे। इसमें कुछ आपके प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। इसी तरीके से आपका बोर्ड एग्जाम में पैटर्न रहेगा, इसी प्रकार से उसमें प्रश्न आएंगे। तो ये मत सोचो कि आपको केवल क्वेश्चन ही करने हैं, ये देख सकते हो असत्य असत्य इस तरीके से भी आएगा इसमें। और अदर्शन एंड रीज़न जो आपके आते हैं, कारण संकल्पना और कारण वाले क्वेश्चन आएंगे। और रेखांकित शब्दों को सही करके लिखिए इस तरीके से मिलान करने के लिए, ये भी आएगा आपको। और इसमें कौन सा संबंधित नहीं है तो आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छे प्रकार के इसमें प्रश्न दिए गए हैं। तो आइए हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। तो अगर बच्चे आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर करें, बताएं और कमेंट करके ज़रूर बताओगे कि आपको हमारी वर्कशीट कैसी लगी है। तो आइए हम करते हैं आज की वर्कशीट। नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलाव को ख़त्म करना किस संधि का उद्देश्य था? तो कौन सी संधि का उद्देश्य था? वियना संधि। किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में जुखाम हो जाता है? तो किसने कहा था? ऑस्ट्रिया के चांसलर मैटरनिख ने कहा था, ने ये बात कही थी। आपका सेकंड क्वेश्चन है, फटाफट इसे नोट करोगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें थर्ड, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी? तो 1832 की कुस्तुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। तो आपका सेकंड क्वेश्चन है ये। इसके बाद है जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है बच्चों सत्य सत्य बताइए। तो गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती नामक सेना तैयार की थी, तो ये सत्य या असत्य है? तो ये बिल्कुल सत्य है कि गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती नामक सेना तैयार की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे दिए गए प्रश्न में दो प्राकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना है दूसरा कारण है। तो कथनों को पढ़ के आपको इसका आंसर देना है। तो संकल्पना, 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। तो इसका कारण है राष्ट्रवादी भावना मध्य वर्ग में काफ़ी तीव्र गति से विकसित हुई। तो दोनों सही हैं और दोनों इसकी सही व्याख्या हैं। इसके बाद जो बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है, रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य लिखिए। कावुर को जर्मनी का बिस्मार्क कहा जाता है। कावुर को क्या कहा जाता है? जर्मनी का बिस्मार्क कहा जाता है। सही करके लिखे हैं तो कावुर को इटली का बिस्मार्क कहा जाता है। इसका सही आंसर बच्चों है कावुर को इटली का बिस्मार्क कहा जाता है। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है, सही मिलान करके लिखिए। तो सही मिलान बच्चों आपका यही है, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का। इसके बाद है 8वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन इटली के एकीकरण के विषय से संबंधित नहीं है? तो ऑटो वन बिस्मार्क इटली के एकीकरण का सूत्रधार था। तो उसमें से 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, तो उसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। तो बच्चों आपका लिखना ही यही है, सारे ऑप्शन नहीं लिखने होते हैं, जो आपका करेक्ट ऑप्शन होता है वही लिखना होता है। आपके पेपर में भी अगर आएगा 4 अगर आपको दिए हुए ए बी सी डी करके, तो उसमें से जो अगर मान लो डी सही है तो आप जो अपने बोर्ड की कॉपी में होगी, बोर्ड की कॉपी में बस डी वाला ऑप्शन लिखोगे, बाकी 3 नहीं लिखोगे। जैसे कि मैं अभी आपको ये क्लियर कर देती हूँ, काफ़ी बच्चे ये गलतियाँ करते हैं। जैसे ये रहा आपका ये क्वेश्चन है और 1, 2, 3, 4 ये है आपके पास, 4 ऑप्शन है। तो आपका ये वाला सही है तो आप बस ये पेपर में लिख के आओगे, ये 3 नहीं लिख के आओगे, इसकी ज़रूरत नहीं होती है। ओके, ना ही क्वेश्चन उतारने की आपको ज़रूरत होती है उसमें। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित चित्र की पहचान कीजिए। दी गई तस्वीर जर्मनी के नारी रूपक जर्मेनिया की है। नारी रूपक किसकी है? जर्मेनिया की है, कि जर्मनी का नारी रूप क्या होगा? जर्मेनिया होगा उसकी है। ओके, इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है आज की वर्कशीट का, ये रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लोह की नीति अपनाई थी। तो आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो
और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और आज की आपकी इसमें बाकी 10th क्लास की बाकी भी आपको वर्कशीट यहाँ प्रोवाइड की जाती है मैथ्स की, काफ़ी अच्छे तरीके से आपको मैथ्स का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन उसमें कराया जाता है और बिल्कुल लाइव तरीके से सॉल्यूशन दिया जाता है। साइंस की वर्कशीट अच्छे से कराई जाती है, हिंदी की वर्कशीट को आपको डायरेक्ट इसके आंसर सॉल्यूशन दिए जाते हैं, और सोशल साइंस का आपने अभी कर ही लिया है तो आपको एक एक वर्कशीट काफ़ी अच्छे से कराई जा रही है, और सबसे अच्छी तो मैथ्स की वर्कशीट आपको कराई जाती है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।